हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा सिक्स में गांव का प्रशासन, इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसको ध्यान से मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको समझा रहा हूँ और मैं आपको इसकी क्लिप भेजूँगा, उससे आप अपने होमवर्क की कॉपी में इसे साफ साफ और सुंदर सुंदर अक्षरों में इसे उतार लेना और इसको याद भी करना है। पहला प्रश्न है बच्चों कि पुलिस का क्या कार्य होता है। आपने पुलिस को तो देखा ही होगा, हर थाने में पुलिस होती है, लेकिन कार्य क्षेत्र के अनुसार पुलिस कार्य करती है। तो पुलिस जो होती है उसका क्या काम होता है? तो देखिए बच्चों, पुलिस का उत्तरदायित्व है, क्या उत्तरदायित्व है, कि वह अपने क्षेत्र में हुई कोई भी चोरी की घटना, मारपीट या बच्चों किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा हुआ हो आदि की शिकायत लिखे तथा लोगों से घटना के विषय में, जो भी घटना हुई है उसके विषय में पूछताछ करें, जांच पड़ताल भी करें और मामले पर कार्रवाई करें, जो भी मामला हुआ है उस पर अपनी कार्रवाई जारी रखें। तो ये पुलिस का काम होता है। और सातवें क्या है कि अपने इलाके में शांति व्यवस्था भी स्थापित करना हो, तो ये सारे काम पुलिस के होते हैं। आगे हम बता रहे हैं, पटवारी के कोई दो काम बताइए। ये भी गांव से संबंधित प्रश्न है कि पटवारी के कौन कौन से काम होते हैं। तो पहला मैं आपको बताया था, क्या बताया था, कि पुलिस और दूसरा था पटवारी। पटवारी का कोई दो काम बताइए। तो पहला काम ये है पटवारी का बच्चों कि जमीन को नापना और जमीन का जो रिकॉर्ड होता है बच्चों उसको दर्ज करना या अपने रजिस्टर में दर्ज करना या रिकॉर्ड रखना, ये पहला काम है। किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है, क्या करता है, भूमि कर इकट्ठा करता है किसानों से, और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली जो फसलें हैं बच्चों उसके बारे में जानकारी जो है वो उपलब्ध कराता है। तो ये काम है कर इकट्ठा करना, जमीन का रिकॉर्ड रखना और अपने क्षेत्र में उगने वाली जो फसलें हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, ये किसका काम होता है, पटवारी का काम होता है। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों तहसीलदार के बारे में, किसके बारे में, तीसरा काम है, प्रश्न है तहसीलदार का बच्चों क्या काम होता है। जिले में आपने देखा है कि विकास में होता है या तहसील में होता है, पंचायत समिति में तहसीलदार होता है, तो उसका क्या काम होता है। तहसीलदार जमीन से संबंधित विवाद जो होते हैं उनको सुनता है, अपनी ये आसपास जमीन है, इससे संबंधित बच्चों कोई भी विवाद जो होता है उसके बारे में विवादों को सुनता है, ये पहला काम है। तहसीलदार पटवारी के काम का क्या करता है, निरीक्षण करता है कि पटवारी काम अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिकॉर्ड को चढ़ा रहा है
या नहीं चढ़ा रहा, ये निरीक्षण करता है और ये सुनिश्चित करता है कि किसान को ये सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जा रहे हैं या नहीं। तहसीलदार ये सुनिश्चित करता है कि किसान को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल रही है या नहीं, तो ये काम होता है। दूसरा बच्चों क्या होता है कि आप हैं या अन्य विद्यार्थी हैं, उनके जो जाति प्रमाण पत्र होते हैं बच्चों, वो तहसीलदार के द्वारा ही बनते हैं। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आयकर के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो तहसीलदार से ही बच्चों बनाए जाते हैं। तो ये काम सारा का सारा किसका होता है? तहसीलदार का होता है। अब आगे प्रश्न आता है बच्चों की चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फायदा होगा। आपने देखा होगा कि नया जो कानून है उसके तहत महिलाओं को किस तरह फायदा हुआ। तो नया जो कानून है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 ये कानून है महिलाओं से संबंधित, कि पिता की जमीन का बेटा और बेटी और माँ इनको भी बराबर का हिस्सा मिले। तो ये एक कानून था, मैंने एक कविता के द्वारा भी आपको ये समझाने की कोशिश की थी। तो ये एक कानून है, नए कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार बेटों और बेटियों और उसकी माँ को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। बेटे और बेटियों को और माँ को जमीन में बच्चों बराबर का हिस्सा उनको मिलेगा। यह कानून सभी राज्यों के बच्चों और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनमें लागू है। इस कानून में बड़ी संख्या में बच्चों औरतों को फायदा होगा। पति या पिता की मृत्यु होने पर, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर वे अपना जीवन निश्चितता से जी सकेंगे। तो ये कानून मैंने आपको बताया, इस कानून के बारे में आपको ये बता देता हूँ कि ये कानून क्या है, इसको और ध्यान से सुनना। हिंदू अधिनियम धारा 2005 ये बच्चों कानून है। इसी के तहत मैंने आपको ये समझाया था कि ये कानून हमारे जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं उनके लिए मनाया गया है कि उनकी शादी हो भी जाती है और ससुराल में चली जाती है। कई बार लड़कियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो इसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है, ये कानून बनाया है हिंदू अधिनियम धारा 2005। तो इसके तहत क्या है कि बेटों के साथ साथ बच्चों बेटियों को भी और उसकी माँ को भी जमीन का या पिता की संपत्ति का हिस्सा उसको मिलेगा। तो ये कानून था। तो आज के इसमें बच्चों आपको मैं इतना ही ये बताऊंगा, इसको अच्छी तरह से आप अपनी कॉपी में उतार लेना बच्चों, और राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए और इसको याद भी करना बच्चों। तो मैं इसको यहीं समाप्त कर रहा हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।